नमस्ते दोस्तों, मैं हूं समुचित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो ज्यादा बात ना कहकर चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स के अंदर। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो एक घंटी है उसको बता दीजिए, जिससे क्या होगा ना मैं जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, आप उसको पहले ही देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। स्क्रीन प्रिंटिंग एक सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाने वाला ऑप्शन होता है। जैसे कि आप किसी को अपना हैंडसेट देते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो उस विंडो की बजाय दूसरा विंडो में जाके आपका डिटेल्स चेक करे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे वर्क करते हैं और आपके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे हेल्पफुल है। पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई एप्स की जरूरत नहीं है, ये हर एंड्रॉइड मोबाइल पे होता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा जाएगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। इस स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगी सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन प्रिंटिंग का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपको एक मैसेजिंग बॉक्स यहाँ पे दिख जाएगा जिसमें लिखा है आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, इसको आपको ओके करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा होम पेज पे आना पड़ेगा। आपको मैं ये दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। पहले मैं जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को पिन करूंगा, देखिए मैं व्हाट्सएप को ओपन करते हूँ। उसके बाद आपको मिनिमाइज की को दबाना पड़ेगा, मैं दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोगो आ चुका है पिन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन इज पिंच, यहाँ पे आपको गॉट इट करना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप पिंच हो चुका है, आप देखिएगा मैं कोई भी की दबा दूं ये काम नहीं करता है। इसका मतलब है सिर्फ मुझे व्हाट्सएप की परमिशन मिल रहा है यहाँ पे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मिनिमाइज की और बैक की को एक साथ दबा के होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपका मोबाइल का पासवर्ड है, मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल का पासवर्ड दे चुका हूँ। इसके बाद आपको बैक करना पड़ेगा, आप जो भी विंडो खोलना चाहते हैं आप यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना और शेयर करके दूसरों को भी दिखाने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका फोन का रैम को बढ़ाया जा सकता है।